नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। घोसी उपचुनाव दोपहर 3 बजे तक 43.54% मतदान। सुधाकर सिंह के आरोप पर क्या बोले दारा सिंह चौहान? भाजपा प्रत्याशी ने कहा, हार दिख रही है इसलिए सपा प्रत्याशी लगा रहे हैं झूठे आरोप। घोसी उपचुनाव में बीजेपी दर्ज करेगी ऐतिहासिक जीत। खबर जनपद मऊ से। घोसी उपचुनाव दोपहर 3 बजे तक 43.54% मतदान होने की खबर है। मतदान शांतिपूर्ण जारी है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के आरोप के बाद अब भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का एक बयान सामने आ रहा है। दारा सिंह चौहान ने कहा, सपा प्रत्याशी को अभी से हार नजर आ रही है इसीलिए वह प्रशासन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। यहां भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से विधान में देखा विधानसभा के अंदर यहाँ पर हर बूथ पर हर पोलिंग पर सारे लोगों ने मोदी जी के लिए भरोसा किया है। सारे लोग कमल के बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया है और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आपको लगने लगेगा जो जीत रहे ऐतिहासिक जीत यहाँ पे घोसी विधानसभा में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हुआ है, जब जानते हैं जब विरोधी हार के कागार पे पहुंच जाता है। अभी तो शाम तक पोलिंग होगी, अभी से लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके का अफवाहें फैला रहे लोगों में, लेकिन घोसी की जनता बहुत ही जागरूक है। सारे लोग जानते हैं हमें कमल के बटन दबा करके मोदी और योगी